तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आज शाम से मैं देख रहा हूँ तुम मुझसे सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे। तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? घर गई थी ना तो पूरा घर समेटते समेटते थकावट हो गई है मुझे। खुद को अलगान करने की जरूरत क्या थी? जो जैसा था उसको वैसे ही रहने देती, हम कौन सा मार रहे थे। थकावट से ज्यादा अफसोस हो रहा है मुझे। अफसोस? कैसे अफसोस? घर बिखरा हुआ देखकर बहुत अजीब लगा मुझे। कितने प्यार से मैंने अपना घर सजाया था। वैसे वहां कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने। अरे बात तुम फिर से शुरू हो गई। ऐसा भी क्या है, वो घर हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पास है, जब दिल करेगा चले जाए। और रही बात सजावट की, तो अगर तुम्हारा दिल करता है तो इस घर को सजाने शुरू कर दो। एक काम करते हैं, हम इस घर के लिए नया फर्नीचर ऑर्डर करते हैं। नहीं, हम तो यहाँ पर मेहमान है ना। अरे भाई मेहमान क्यों, ये घर भी तो हमारा, मेरा मतलब है तुम्हारा है, तुम्हारे वालिद की प्रॉपर्टी है, तुम शरई और कानूनी तौर पर मालकिन मिलकी। हाँ मेरा हक है, लेकिन मेरे साथ साथ रमशा और मानूर का भी हिस्सा है इस घर में। मानूर रमशा को तो ठेंगा मिलेगा यहाँ से। पता है आज मुझे इस घर में बहुत सारी बातें भी याद आई, बहुत सारे बीते हुए लम्हे। आज मुझे उस नेकलेस की भी याद आई। नेकलेस? वही नेकलेस जो आपने मुझे बहुत प्यार से दिया था और डाकू मुझसे ले गए थे। अच्छा वो नेकलेस, कितना खूबसूरत था ना वो। हाँ मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। खैर जाने वाली चीज थी, चली गई। मैंने तुम्हें तब भी समझाया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा नेकलेस लेता हूँ। मगर काश वही नेकलेस मिल जाता तो कितना अच्छा होता ना। अरे इतनी पुरानी बात हो गई है, अब कहाँ से मिलेगा वो नेकलेस। भूल जाओ उसे, अपनी जान का सदका समझ कर। मुझे नींद आ रही है, मैं चेंज कर दूं। घर क्या चली गई मलका, जज्बात ना कर लौटी पागल मत। लेकिन ये अचानक से नेकलेस कहाँ याद आ गया इसे? नेकलेस भी तो घर में ही पड़ा था, कहीं से मिल तो नहीं गया। कहां रखा था मैंने, मुझे भी याद नहीं आ रहा। नहीं, अगर इसे मिल गया होता तो ही मुझे बता दे। इतनी अकलमंद कहां है कि इसके दिल में कोई शक पैदा हो।